Solution of axioma, chapter number 3, rest and motion kinematics, question number 22. Question kata hai, a car traveling at 60 km per hour. Koi car hai, jo travel kar raha hai, apne speed 60 km per hour se. Ek data question mein given ho gaya. Kata overtakes another car, aur dusre car ko woh overtake kar deta hai. Matlab pichha karke aage badh jata hai. ट्रेवलिंग एट 42 किलोमीटर पर आवर, यानी 42 किलोमीटर पर आवर से चल रहे किसी कार को पीछे करके ये 60 किलोमीटर पर आवर वाले कार आगे बढ़ जाता है। एज्यूमिंग ईच कार टू बी 5 मीटर लॉन्ग, मान लीजिए कि दोनों कार की लंबाई जो है वो 5 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर लंबी है, तो कहता फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक, तो ओवरटेक करने के दौरान जो टाइम टेकन होगा वो कितना होगा, एंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज फॉर द ओवरराइड, यानी ओवरटेक, ओवरटेक करने में रोड की टोटल डिस्टेंस कितनी होंगी। तो सबसे पहले हम एक यहां पर मान लेते हैं, V1 इज इक्वल टू कितना, 60 किलोमीटर पर आवर, और आपको पता है किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 5/18 से, यानी किलोमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 1000 मीटर, आवर को मिनट में बदलिएगा तो 60 × 60, तो 1000/60 × 60 कीजिएगा तो उसकी वैल्यू 5/18 आ जाएगा, ठीक। और जब इसको कट कीजिएगा ना, तो कट करने के बाद आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 16.6 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से अगर आप V2 को कैलकुलेट करोगे, वेलोसिटी 2 हम इसको मान लिए 42 को, तो 42 किलोमीटर पर आवर, तो इक्वल टू इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिएगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से, तो 5/18 से, 5/18 मीटर पर सेकेंड से, तो इसकी वैल्यू जो आपके सामने आएंगी वो आ जाएंगी 11.6 मीटर पर सेकेंड। बिफोर क्रॉसिंग, यानी जब गाड़ी पहले पार नहीं किया उस समय की बातें हैं, यानी बिफोर क्रॉसिंग, चलिए क्रॉसिंग से पहले का ही बात कर लेते हैं, तो इस संदर्भ में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ जाएंगी, चलिए तो रिलेटिव वेलोसिटी पहले निकाल लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लूँ, तो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द कार्स इक्वल टू कितना, तो फाइनल जो आगे पहुँच जाता है माइनस जो पीछे रहता है, तो पीछे वाला 11.6 वाला, तो इसके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, तो 5 मीटर पर सेकेंड आ गई। फिर कहता है कि बाय फर्स्ट कार, यानी पहले कार के द्वारा, तो इसके द्वारा अगर आप निकालते हैं बाय फर्स्ट कार के द्वारा, तो 5 मीटर, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी, और ये 5 मीटर लंबी भी है, तो 5 + 5 इक्वल टू 10 मीटर, ये हो गया। अब इसी तरह से अब आप क्या कीजिए, एक इक्वेशन लगाइए, बाय इक्वेशन किसका, टाइम वाला, भाई टाइम भी की तो लगेगा ना, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना, डिस्टेंस 10, स्पीड कितना 5, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड, ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग पुनः अब बात कर लेते हैं किस पर, नाउ टू फाइंड एक्सीलरेशन, नाउ टू फाइंड एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन चेक करते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो आपको पता है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी माइनस यू इज इक्वल टू 80, तो a इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन t, इसी इक्वेशन को एक्सीलरेशन निकालने के लिए। तो अब इसका वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v कितना, तो v हम लोग निकाले थे क्वेश्चन में ऊपर ही, 6.6 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल कितना, तो 11.6 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम है, टाइम कितना, तो टाइम तो हम लोग निकाले ही हैं जस्ट अभी ऊपर में निकाले ये वाला 2 सेकेंड, जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी
फाइव बाई टू, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बच्चों, इसको कैलकुलेट यहाँ पे सब्सट्रैक्ट नहीं करोगे, 16.6 मीटर पर सेकेंड माइनस 11.6 मीटर पर सेकेंड, 5 आ जाएगा, और 5 बाई टू करोगे तो 2.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ गया। तो चलो ना, आप डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, क्वेश्चन के एक पार्ट का आंसर हो गया, अब सेकेंड पार्ट का आंसर भी हम लोग निकाल लेते हैं। नाउ बाय इक्वेशन, अब एक और इक्वेशन लगाइए, कौन सा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, तो हम इसको ऐसे भी डील कर सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, तो S इज इक्वल टू हो जाएगा वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर अपॉन 2A, ये हो जाएगा। तो अब इसके जगह पे हो जाएगा S इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी, तो 16.6 का स्क्वायर माइनस U की वैल्यू कितनी, तो 11.6 का स्क्वायर वी का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर अपॉन 2A, और एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी, तो 2.5। अगर आप 16.6 का स्क्वायर कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आ जाती है 275.56, और 11.6 का स्क्वायर कीजिएगा तो चला आता है 134.56 डिवाइडेड अपॉन 5, 2.5 इंटू 2 5, और जब आप उसे सब्सट्रैक्ट करोगे 275.56 माइनस 134.56 में से, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 144/5, इसे जब कट करोगे तो इसकी वैल्यू चली आती है 28.2 मीटर। तो इस तरह से अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, एस नेट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एस नेट की वैल्यू, एक तो पहले अभी जस्ट मेरे पास आया 28.2 प्लस एक और डिस्टेंस आया था 5 मीटर, और गाड़ी की लंबाई 5 मीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस जो मेरा कवर्ड हुआ वो 38.2 मीटर आंसर। दिस इज आवर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 22।